Hi everyone, it's me Jeebee and welcome back to my channel. So this time again hamari video urdu mein hogi kyunki kafi log mujhse request kar rahe the ki mujhe urdu mein video banani chahiye. So kafi log poochte hain ki main itne dyes karti rehti hu har dusre teesre mahine, kuch color change karti rehti hu, kya procedures hote hain, kis tarah main apne baalon ki care karti hu, kis tarah main itne matlab color kar leti hu apne baalon ke. So here I am to share my details with you people. Also, आप देख सकते हैं मेरे ends कितने बुरे हो रहे हैं बालों के. खैर, so I have a very nice product to review. इसी सिलसिले में मेरे पास ये product आया था review के लिए. काफ़ी time हो गया क्योंकि एक product को time देके test करके फिर review देना ही बेहतर होता है बजाय इसके कि मैं बस बगैर यूज़ किए एक आधा दफ़ा यूज़ करके आपको बता दूँ कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा था. बबा खैर ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई. तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आया था जो कि बहुत आजकल इन चल रहा है मार्केट में. दिस कॉल्ड केशिया रोगने मोरिंगा. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. और इसमें बड़ी टेम्पटिंग सी तस्वीर बनी हुई है. मतलब पाकिस्तान में हर लड़की को रिपंजल बनना है, हर लड़की को लंबी लंबी जुल्फें चाहिए, हर लड़की को हेल्दी बाल चाहिए. टेम्प्ट करने के लिए बहुत अच्छा है बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि असल में ये ऐसे काम दिखाता है या नहीं. और फिर दूसरी तरफ देखेंगे तो ये बड़े मज़े का एक बना हुआ है. बॉटल बहुत ही छोटी सी प्रिसाइज सी है. और एक मज़े की चीज़ जो कि आज तक मैंने तो नहीं देखी, क्या पता आप लोगों ने देखी हो, आई एम सॉरी, बट ये एक ऐसे कैप के साथ आता है. ये कैप है. अब ये कैप किस लिए है भला? मुझ जैसे आलसी लोगों के लिए. जैसे आलसियों से मतलब ये जो लोग बिल्कुल हाथ गंदे किए बगैर तेल लगाना चाहते हैं बालों में, उन लोगों के लिए. मुझसे ज़्यादा ऐसा कोई नहीं है. अब मैंने चिप्स भी लिटरली खाना छोड़ दिए हैं. मैं हाथ से चिप्स भी नहीं खाती, मैं लिटरली डायरेक्ट पैकेट ऐसे खाती हूँ. अगर किसी ने मुझे लाइव देखा है, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है. खोलते के साथ ही ये दो चीज़ें निकलती हैं और उसके बाद निकलता है ये इंस्ट्रक्शन गाइड. इसमें ऐसे ऐसे नाम हैं इंग्रेडिएंट्स के मुझे प्रोनाउंस करने भी नहीं आते सच में. 8 हर्ब्स जो हैं वो उसका कॉम्बिनेशन है. और इसमें नार डॉस टैशीज जतामानसी, मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँगी. ये हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है और जो हमारे हेयर फॉल है उसकी भी ट्रीटमेंट करता है, मतलब बाल गिरने से रोकता है. और उसके अलावा है इसमें फिलान्थस एम्ब्लिका. ये हमारे जो बालों का असली कलर है, नेचुरल कलर है, उसको प्रोटेक्ट करता है और हमारे रूट्स को भी मतलब स्ट्रेंथ करता है. मुझे उर्दू का वर्ड नहीं आ रहा, सॉरी. और अकाकिया कॉन्ग हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है डैंड्रफ से. ट्राई करना लाजमी था क्योंकि मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी कुछ ऐसा ऑयल, कोई ऐसा टोटका जिससे डैंड्रफ बिल्कुल चली जाए. इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी. इसके अलावा है अच्छा, ये ब्लड फ्लो बढ़ाता है हमारे और फिर उसे बाल गिरने से रोकता है. और ट्रिंगोन मैं बिल्कुल प्रोनाउंस नहीं कर सकती क्लियरली. खैर हम इसको खोल के स्मेल करते हैं. ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ जस्ट बाय द वे. मैं अब आप लोगों को किस तरह ये यूज़ करती हूँ ये दिखाऊंगी और मेरा इसके बारे में क्या ख्याल है ये बताऊंगी. आप लोगों ने कभी सरसों के तेल में अलग अलग जड़ी बूटियाँ या अलग अलग तेल मिक्स करके कभी यूज़ किए होंगे ना, तो आपको लिटरली वही स्मेल आएगी इसकी. और इसमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है उस तरह की. मुझे लग रहा है इस वक्त कि मेरी अम्मी ने बहुत सारे ऑयल्स मिक्स किए हैं. खैर इसको यूज़ करने का तरीका ये है, कैप को खोलें, फिर इनर कैप में सुराख करें और कोम को बॉटल पर लगाकर इस्तेमाल करें. ठीक है, मतलब ये इसको खोलें, इसके अंदर एक ये प्रोटेक्टिंग कैप दिया गया है. मैंने तो खैर ये खोल के अंदर से डायरेक्ट चंपी की है, तो आप लोग चाहें तो वो कर सकते हैं. लेकिन मैंने ये कोम टैक्ट रखी थी आप लोगों के सामने यूज़ करने के लिए. सो
मैं अभी गई और अभी इसको लगा के आई। इसमें छेद कर तो दिया है, अब अल्लाह करे तो ना काफ़ी हो। बोलती थी मेरी ओए निकल रहा है, इट्स लाइक सक्सेसफुल, बट आई थिंक रूट्स के लिए इतना सही है या नहीं देखते हैं। ये अभी हाथ पे रहेगा। अच्छा दिस इज अ नाइस वे एक्चुअली, एक्चुअली आई लाइक इट, मतलब दिस इज अ फन पार्ट। मैं अब तक क्यों नहीं यूज कर रही थी यार इसको, वाई यार, सो कन्वीनियंट। अच्छा और इतने मजे की बात ये है ना, बिल्कुल रूट्स रूट्स में हुआ हुआ है, ठीक है। ये पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे ऑयल लगा हुआ है। अब मैं पूरे बालों में सही से ऑयलिंग कर लेती हूँ, जब तक पता है चिपचिपे से ऑयली से बाल नहीं होते ना मेरे बालों में सुकून नहीं मिलता मुझे। मैं ट्राई करूँगी सेक्शन कर करके हर जगह लग जाए। मेरे कैमरा अभी बिल्कुल एंड पे है, बैटरी ख़त्म हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट मैं तेल ही लगा रही हूँ फिर। ये कहलाता भी द रूट ऑयल है, मतलब केशिया रोवन है मोरिंगा आई गेस, इसको कहते भी रूट ऑयल है। मुझे लग रहा है मैं अभी तक है ना मिस आउट कर रही थी इस चीज़ पे। ये देखो स्वेयर दिस इज सो गुड, मतलब मेरी अम्मी ना अक्सर मिक्स कर करके ऑयल लगाती थी। एक तो स्मेल बिल्कुल डिटो वैसी है, बहुत मतलब मेहनत लगती है, आप जाओ और डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स लेके आओ। तो उससे अच्छा ये कि आप एक ही दफ़ा, ये 300-400 रुपए की बॉटल है तो आप ये ख़रीद लो, आप लगा लो। मैं इसको एक्चुअली लगा के 2-3 घंटा छोड़ूंगी और फिर आई थिंक वॉश करूँगी। सो अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे अपने बालों को मसाज दे सकते हैं, वरना आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं रूट्स में लगा के। अच्छा और मैं ना थोड़ा सा ये एंड्स पे भी लगाती हूँ अपने। इस ऑयल का कलर पिंक है, कैमरा के सामने ऑयल लगाने के तो मुश्किल काम है। इतनी ज़्यादा वो नहीं मतलब अमाउंट निकल रही थी ऑयल की, क्योंकि मैंने उसमें बहुत स्मॉल होल पोक किया था। फिर मैं ऐसे मसाज करती हूँ ताकि जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो। अब कम बाल निकल रहे हैं, लिटरली मेरे पहले गुच्छे निकलते हैं बालों के, ठीक है। और जब से मैंने ये ऑयल लगाना शुरू किया है मुझे कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, वरना मुझे हर हेयर वॉश के बाद लिटरली कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है। ये एंड्स पे लगा के यूँ करती हूँ मैं, ज़्यादा मैं इसको यूँ मसलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है उससे बाल डैमेज होते हैं, ठीक है। अगर आप लगा के ना यूँ मसलते हैं बालों को, प्लीज़ वो मत किया करें। यूँ लगा के सिर्फ अपने बालों को इस तरह करके यूँ, उससे भी स्प्लिट एंड्स बनते हैं जिसको हम दो मुँह है बाल कहते हैं ना। और ये देखें इससे ये इसने थोड़ा सा मेरे बालों को ना सुकून दिया, अभी बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया क्योंकि मैंने हॉट टॉवल प्लेट में रखा हुआ था यहाँ पे और वो गिर गया, तो आई थिंक हॉट टॉवल वाला पार्ट स्किप करना पड़ेगा क्योंकि टॉवल में भी कांच लग गया, खैर ऑयल लग गया। मूड तो मेरा बड़ा था कि बातें करेंगे हॉट टॉवल लपेट के, लेकिन खैर मैं इसलिए इस तरह की चोटी बांध रही हूँ क्योंकि पीछे हाथ करके वाली चोटी मुझे नहीं आती, और मुझे चोटी बांधनी ही नहीं आती थी पहले, ये तो अल्लाह का शुक्र है इतनी भी आती है। खैर चोटी बांध के 2-3 घंटे चिल मारती हूँ। ये जनाब अब हमारी बन गई है चोटी, खैर मेरी चोटी डन हो गई है। अगर अब मेरा मुँह बड़ा लग रहा है या गोल लग रहा है आई एम सो सॉरी। अभी बज रहे हैं रात के 3:15 एक्चुअली, और ये सब कचरा भी साफ़ करना है और उसके बाद नहाने का टाइम मुझे नहीं लगता मिले, तो मैं आपको सुबह इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। बहरहाल ये मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा ऑयल है, लेकिन मुंह से बोलने से बेहतर है कि आप रिज़ल्ट खुद देख लें। और बाकी बस सुबह मिलते हैं। ओके सो ये अगला दिन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने बाल धो लिए हैं और मेरे बाल सूख भी चुके हैं। एज़ यूजुअल मैं कोई हेयर ड्रायर स्ट्रेटनर कुछ यूज़ नहीं करती, कोई हॉट टूल्स इस तरह के यूज़ नहीं करती ताकि मेरे बाल जल्द ख़राब ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें वैसे ही बालों को जल्दी ख़राब कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। तो ऑब्वियसली मैं कलर बहुत करती हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में स्पेसिफ़िक हूँ कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। अगर बहुत शिद्दत से ज़रूरत पड़ती है तो कभी स्ट्रेट कर लिए,
कभी कर कर लिए मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि नॉन हीट चीज़ों पे जाऊँ. और हाँ, अगर आप हिजाब करते हैं और अगर आप मतलब चाहते हैं आपके बाल हेल्दी लगे ये सब कुछ, तो मैं डेफिनेटली ये ऑयल रिकमेंड करूँगी. और मेरी अम्मी का तो एटलीस्ट अब हेडेक ख़त्म हो गया कि भाई डिफरेंट जगहों से नेचुरल ऑयल्स लेके आएँ, देखें कि ऑथेंटिक हैं कि नहीं, उसके बाद उनको मिक्स करें और ये सब कुछ. तो मेरी अम्मी का सरदर्द ख़त्म हो चुका है और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं. लिटरली मेरे बालों के एंड इतने सॉफ्ट हैं, मतलब मास्क वगैरह के बगैर मुझे नहीं याद कि कभी ऐसे सॉफ्ट हों. मैं सच में झूठी तारीफ़ें नहीं कर रही, क्योंकि मुझे हमेशा, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ लाइक प्योर ब्लीच्ड, ठीक है, ये ब्लीच्ड बाल हैं और हमेशा कलर उतर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं और मुझे काफ़ी मुश्किल होती है इन बालों को हैंडल करने में. और हमेशा मुझे मास्क, कंडीशनर, इतना सब कुछ यूज़ करना पड़ता है कि मैं सिर्फ इसमें ब्रश कर सकूँ. जब से मैं ये तेल यूज़ कर रही हूँ तो मेरे बालों में ये फ़र्क ज़रूर आया है कि मेरी डैंड्रफ कम हुई है और मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं. और अभी भी बहुत सॉफ्ट हैं, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने वॉल्यूम वाले लग रहे हैं. और थोड़ी सी मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि जो फ्रिजी बाल हो रहे होते हैं, जैसे बम फटे हुए लग रहे होते हैं, वो नहीं लग रहे, काफ़ी स्मूथ से लग रहे हैं. पता नहीं अब मुझे फील हो रहा है या क्या, बट हाँ, आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपके पास कुछ सवाल हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. और अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं कि मुझे किस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए तो ज़रूर दीजिए. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को थम्स अप दीजिए मुझे. आप अगर चाहते हैं तो ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, मतलब और सोशल मीडिया पर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, आप ज़रूर फॉलो कीजिए. अनटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.